आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। ग्वारीघाट स्थित सिद्ध सोमेश्वर धाम में चल रहे 11 दिवसीय श्री पंच कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। समापन के अवसर पर जहां आयोजन स्थल पर भक्तों की भक्ति देखने लायक थी, तो वहीं दूसरी तरफ कथा उपरांत हवन, यज्ञ, पूजन, पूर्णाहुति और भोज भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां भारी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने कथा के बाद बाबा शिव का प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि इस कथा का शुभारम्भ 22 फरवरी से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ था, जहाँ 11 दिनों तक भक्तों ने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और आखिरी और अंतिम दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ फूलों की होली खेलकर इस कथा का समापन किया गया। इस कथा में शामिल होने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ वे भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आते थे। यहाँ आने के बाद उन्हें माँ नर्मदा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता था। इस कथा को जो भी भक्त सुनने आता था वह भगवान शिव की भक्ति में खो जाता था, जिसके चलते इस कथा के आखिरी दिन सोमेश्वर धाम परिसर में भक्तों की काफी भीड़ लगी रही, जिन्होंने पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस कथा के समापन पर अपनी सहभागिता निभाई। वहीं इस कथा को लेकर शिव पुराण कथा वाचक मनीष उपाध्याय का कहना है कि साधु संतो यजमान और सोमेश्वर धाम के महंत केवल पुरी जी महाराज सहित पल पल इंडिया टीवी प्रमुख कमलेश गुप्ता के सहयोग से यह 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त मंदिर परिसर पहुंचते थे, जिनके द्वारा कथा का श्रवण कर भगवान शिव की आराधना की जाती थी। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। भगवान सोमेश्वर महादेव की कृपा से और यहाँ इस भव्य देवस्थान में उपस्थित सब महात्माओं की कृपा से बहुत दिव्य भव्य शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। 11 दिवसीय शिव महापुराण की कथा और फिर रुद्र यज्ञ भी साथ साथ में हो रहा था, वो अत्यंत भव्य था, दर्शनीय था। और आज ही कथा का समापन हुआ है, विराम हुई कथा को, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। सभी जनता ने बहुत उत्साह से हर्षोल्लास पूर्वक आज तो कथा के विराम के दिन भगवान शिव पार्वती की सुंदर झांकी के साथ होली का आनंद भी लिया है सबने, और होली का उत्सव भी निकट हमें आ रहा है। तो सभी जबलपुर वासियों के होली सभी लोगों को होली के उत्सव की अग्रिम बधाई भी दे रहा हूँ। और यहाँ हम लोगों ने तो आज भगवान के साथ ही सुंदर होली के उत्सव को भी मनाया, जिसका बहुत आनंद आया है। कथा का आयोजन बहुत दिव्य हुआ, खूब सारी जनता ने मिलकर के इसमें भाग लिया, इससे सबका उत्साह भी बहुत बड़ा। प्रति वर्ष यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं, कभी भागवत, इस बार शिव महापुराण, और आने वाले वर्षों में अब नर्मदा पुराण भी होने वाला है। तो भविष्य में भी जो अच्छे सत्संग के कार्य होंगे, संतों के दर्शन होंगे, उसलिए जबलपुर वासियों को इस दिव्य कार्य में सबको जुड़ना चाहिए। और जिस इस बार जैसा सबको आनंद आया, जैसा हर बार आए, ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सोमेश्वर धाम में केवलपुरी महाराज जी के सानिध्य में 22 तारीख से 4 तारीख तक शिव महापुराण पंचकुंडी महायज्ञ जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और आज भंडारे की प्रसादी लेकर सभी ने भगवान महादेव जी के चरणों में अपनी विनती, अपनी आराधना, अपने परिवार, शहर के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये बाबा जी द्वारा यह आयोजन कराया गया। और निश्चित तौर पे इस सबका लाभ हम सभी को मिलेगा। मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके कारण यह सभी कार्य संपन्न हुए और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।